हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये मंदिर 5 किलोमीटर दूर में है। कहाँ से दूर है? स्थापना मंदिर है, ये बजरंगबली का मंदिर है। ये यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। धन्यवाद आप लोग भी आए। इतना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। यू कैन आप बताइए मेरे को कि ये मंदिर यहाँ बनाने की आप क्यों सोचे? मैं नादनगांव निवासी हूँ, अधिवक्ता विकास तिवारी। अक्सर हम अपने मित्रों के साथ यहाँ आते थे और यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मंदिर। और हमारे अधिवक्ता मेश्राम, वीरेंद्र मेश्राम द्वारा ये भोजन की व्यवस्था जो दी गई है, बेहतरीन ये कलाकार हैं, उम्दा पाक कलाकार हैं, ये देखिए। So guys, हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ का व्यू इतना भयानक है, भयानक मतलब सुंदर वाला भयानक। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अभी खैरागढ़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेशन कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए हम जा रहे हैं और निकल गए हैं राजनांदगांव से। और अभी हम पहुंचे हैं ग्राम तिलई में और यहां से सीधे हम निकलेंगे 30 किलोमीटर खैरागढ़ में बहस के बाद हम वहां से निकल जाएंगे भूटिया बांध। वहां पर भगवान हनुमान बजरंगबली के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, वहां शामिल होंगे। फिर वहां पर भूटिया बांध में कुछ फोटो तो खिंचाएंगे, वहां के सीन हम बताएंगे लेकिन पहुंचने के बाद। बाय। So guys, हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ का व्यू इतना भयानक है, भयानक मतलब सुंदर वाला भयानक। कौन खींचेगा मेरा फोटो? और यहाँ दो लड़कियाँ जा रही हैं। बाय बाय गर्ल्स, जस्ट लुक एट दिस, OMG, वाओ, सो ब्यूटीफुल। इधर भी लोग आते हैं यार, और यहाँ अभी एक नया मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और वहीं हम लोग जा रहे हैं। सो हम वहाँ पर भी जाएंगे और बोलते हैं वहाँ, ओ आपको देखिए लोग आ जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ये हम पहुँचने ही वाले हैं। बस यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हेलो गाइज, हम आए हैं डगोरा बांध जो ढारा के पास है और यहाँ हो रहा है आज हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा और वो सामने मंदिर दिख रहा है, अभी हम मंदिर ले चलेंगे। हे गाइस, हम आए हैं आज ग्राम गोटिया में और यहाँ श्री हनुमान जी मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और हम ये कैप्चर करके आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। पीछे देख रहे हैं मेरे, ये मंदिर है हनुमान जी का और अभी ये मूर्ति स्थापना की तैयारी हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो होता है वो चल रहा है, इसलिए बाकी श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था इधर कर दी गई है। ये मेरे पीठ पीछे देखें, ये सब बहुत सारे श्रद्धालु आ चुके हैं और भोजन की व्यवस्था उधर है। और ये जो गाँव पड़ता है ग्राम गोटिया और ग्राम ढारा के बीच में ये मंदिर है। मैं हूँ प्रवीण मल्ल और देख रहे हैं आप मेरा चैनल YouTube फुर्सत के पल से। ये हमारे पीछे देखिए बहुत सारे श्रद्धालु पहुँच गए हैं जिनके भोजन की व्यवस्था आज यहाँ पर है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं भाई साहब, बताइए आप कहाँ से आए? भंडारपुर। ये बताइए ये मंदिर कितनी दूरी पर स्थित है, बताइए? ये मंदिर 5 किलोमीटर दूर में है। कहाँ से दूर है? स्थापना मंदिर है, ये बजरंगबली का मंदिर है। ये यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। धन्यवाद आप लोग भी आए।
ये मेरे पीछे चलो करो श्रद्धालु जो हैं ये काफी दूर से आए हैं और ये जो मंदिर है वह ढारा ग्राम ढारा गांव और घोटिया गांव के बीच में लगभग 10 किलोमीटर के अंदर पड़ता है और जहां पर श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था है आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इधर आप मेरे पीछे देखेंगे भोजन की व्यवस्था और दूर उधर देखेंगे मंदिर जहां पर पूजा की तैयारी चल रही है और इधर भी हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं और इधर देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। ग्राम घोटिया में और ये है मेरे मित्र वीरेंद्र मेश्राम, इनके जस्ट बगल में है सुधांशु जोशी जी और अन्य अधिवक्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। ये ग्राम घोटिया ग्राम ढारा और ग्राम घोटिया के बीच में आज जो है डंगोरा बांध के पास हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो मेरे पीछे पीठ पीछे देख रहे होंगे आप। और काफ़ी भीड़ है, अधिक संख्या में भोजन की व्यवस्था हमारे खानसामा के द्वारा ये किया गया है। ये और हमारे अधिवक्ता मेश्राम वीरेंद्र मेश्राम द्वारा ये भोजन की व्यवस्था ये जो दी गई है, बेहतरीन ये कलाकार है, उम्दा पाक कलाकार है। ये देखिए आप बताइए मेरे को कि ये मंदिर यहाँ बनाने की आप क्यों सोचे? मैं नादनगांव निवासी हूँ, अधिवक्ता विकास तिवारी। अक्सर हम अपने मित्रों के साथ यहाँ आते थे और यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी अनुभूति होती थी, मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मंदिर निर्माण किया जाना चाहिए। तो हमने हनुमान जी से प्रेरणा लेके, क्योंकि हनुमान जी का मैं भक्त भी हूँ, तो हमें प्रेरणा मिली यहाँ में इस धरती पर आकर और हमने ये संकल्प लिया। और भाई बहन हमारे दादाजी आदरणीय स्वर्गीय योगी नारायण तिवारी जी और उनकी बहन स्वर्गीय देवकी वाजपेयी निर्माण करवाए और मैं ये मंदिर आज हनुमानगढ़ी के नाम से हमने इसे दिया है और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं समस्त ग्रामवासी इस तरह से जुड़े जाए। जय श्री।